हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास खुद की गाड़ी या मोटरसाइकिल हो, लेकिन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण उन्हें अपने इस ख्वाब को भूलना पड़ता है। पर इन दिनों बाजार में फ्लेक्स फ्यूल की खूब चर्चा हो रही है। एक ओर जहां सरकार इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाले वाहनों पर प्लान तैयार कर रहे हैं। ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट मीटिंग में उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल कंपनियों के मेन अधिकारियों ने 6 महीने के अंदर फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के प्रोडक्शन का वादा किया और कहा कि बहुत ही जल्द भारत में फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियां मौजूद होगी। ब्राजील फ्लेक्स फ्यूल इंजनों का इस्तेमाल करने वाला सबसे बड़ा देश है। भारत में अभी इसका निर्माण शुरू नहीं हुआ है, इसलिए इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। फ्लेक्स फ्यूल का इस्तेमाल करने के लिए ऐसी गाड़ियां बाजार में उतारनी होंगी जो फ्लेक्स इंजन पर चलने वाले हों। ऐसी गाड़ियां दुनिया के कई हिस्सों में बनती है और चलती है। इनमें फ्लेक्स फ्यूल इंजन लगे होते हैं। फ्लेक्स फ्यूल इंजन एक तरह से इंटरनल कम्बशन इंजन होता है जो एक से ज्यादा तरह के फ्यूल से चल सकता है और अब चाहे तो इसे मिक्स फ्यूल पर भी चला सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, इससे गाड़ियां कैसे चलेंगी और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच ये कैसे और कितना सस्ता साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं फ्लेक्स फ्यूल के बारे में। नंबर 1, क्या होता है फ्लेक्स फ्यूल? गाइस, फ्लेक्स फ्यूल एक तरह से पेट्रोल डीजल का मिक्सअप है, इसलिए इसे मिश्रित ईंधन भी कहा जाता है। यह गैसोलीन और मिथेनॉल या इथेनॉल के मिश्रण से तैयार किया जाता है। फ्लेक्स इंग्लिश के शब्द फ्लेक्सिबल से आया है। फ्लेक्स फ्यूल से फ्लेक्स इंजन चलेंगे। फ्लेक्स इंजन यानी जो किसी बिना दिक्कत के पेट्रोल डीजल के अलावा किसी दूसरे ईंधन से भी चल सकते हों। नंबर 2, कैसे चलेंगी इस फ्यूल से गाड़ियां? दोस्तों भारत में इस ईंधन को लेकर अच्छे से प्लानिंग हो रही है। यहाँ इथेनॉल और मिथेनॉल को मिलाकर फ्लेक्स फ्यूल बनाया जा सकता है। इस ईंधन के आने से वाहनों को पूरी तरह से पेट्रोल डीजल या फिर इथेनॉल पर चला पाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लंबे समय से इसकी खोज करते आ रहे हैं। अब सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। सीधे शब्दों में कहे तो पेट्रोल डीजल के अलावा तीसरा फ्यूल आ चुका है, लेकिन इससे चलने वाली इंजन तैयार नहीं हुई है और अभी बस गाड़ियों में फ्लेक्सिबल इंजन का ही इंतजार है। नंबर 3, क्यों सस्ता हो जाएगा फ्यूल? फ्यूल में जिस इथेनॉल और मिथेनॉल को मिलाए जाने की बात हो रही है, वह एक तरह से बायो प्रोडक्ट है। इन्हें गन्ना, मक्का और दूसरे एग्री वेस्ट से तैयार किया जाता है और आप सब जानते हैं कि इसकी लागत भी कम होगी क्योंकि इस फ्यूल को तैयार करने में काफी कम खर्च आएगा। दोस्तों अगर भारत में फ्लेक्स फ्यूल इंजन बनाए जाते हैं तो फ्लेक्स फ्यूल का इस्तेमाल आसानी से हो सकेगा। नंबर 4, प्रदूषण कम फैलेगा। यह एक तरह से कुदरती फ्यूल है। इन ईंधनों से प्रदूषण भी कम फैलेगा। हमारे देश में प्रदूषण एक बहुत ही बड़ी समस्या है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं इसकी एक बड़ी वजह है। पेट्रोलियम ईंधन पर्यावरण के लिए ठीक नहीं होते। अगर फ्लेक्स फ्यूल ईंधनों पर जोर दिया जाता है तो इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा। इथेनॉल और मिथेनॉल जैसे फ्यूल एनवायरमेंट को बहुत ही कम नुकसान पहुंचाएंगे, जिससे एनवायरमेंट के साथ साथ इसमें रहने वाले लोगों और जानवरों का भी फायदा होगा। नंबर 5, फ्लेक्स फ्यूल से किसानों का भी होगा फायदा। भारत में 80% यहाँ चलने वाले वाहनों के पेट्रोल डीजल की मांग को पूरा करने के लिए ये दूसरे देशों से पेट्रोल डीजल को आयात करते हैं। यानी हमारे देश में जितनी भी गाड़ियाँ चलती है दूसरे देशों से मंगवाया जाता है। फ्लेक्स फ्यूल आने से दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म होगी। हमारे देश में इथेनॉल उत्पादन इसलिए भी ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि हमारे यहाँ गन्ने और मक्के का उत्पादन बहुत ही ज्यादा होती है। और सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि इन्हीं से इथेनॉल का भी उत्पादन होता है। इस वजह से किसानों की भी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है क्योंकि वो अपनी सारी पैदावार इन्हें अच्छे रेट में बेच सकते हैं। भारत में अगर फ्लेक्सिबल इंजन वाले वाहन आ गए तो यहाँ रहने वाले हर एक व्यक्ति के पास खुद की गाड़ी होगी। वैसे ये सभी प्लान फिलहाल चल रहे हैं। दोस्तों फ्लेक्स इंजन डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन से ज्यादा पावरफुल होगी, ये तो फ्लेक्स इंजन के आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल तो मैं साइकिल ही चलाता हूँ, लेकिन आप लोग चाहे तो मेरे पास भी खुद की गाड़ी हो सकती है। ये तो बस आपके हाथ में है। और आप चाहते हैं कि आपका भाई भी आगे बढ़े तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लें। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।